सो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका NSDL पिन कार्ड है तो ऐसे में आप अपने NSDL पिन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे भी कर सकते हैं, चाहे वो आपके नाम में चेंजिंग हो, या फिर DOB में, या फिर एड्रेस में, या फिर पिता के नाम में, या फिर जेंडर वगैरह में, सभी का करेक्शन आप जो है अपने पिन कार्ड में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन जरूर इनेबल करें, क्योंकि यहाँ पर सरकारी योजनाओं के साथ साथ मैं आपको हर एक तरह के टिप्स यहाँ पर देता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उसको आपको विजिट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब जहाँ से आप अप्लाई करते हैं, यहीं से ही आपको करेक्शन करना है। तो इसमें आना है आपको नीचे, यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में एप्लीकेशन टाइप वाले बटन में क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे आना है नीचे थर्ड ऑप्शन पे, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है इंडिविजुअल, आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हैं, श्रीमती या कुमारी या श्री। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जो है वेदर आप सिटीजन, इसे यस करेंगे। उसके बाद आपको अपना पुराना पैन नंबर यहाँ पर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों ये ध्यान देना है, पैन नंबर आपको ज़रूर डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, और ये कैप्चर कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको जो नाम इसमें डालना है वो सही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, क्योंकि हमें वही नाम करेक्शन में करना है। इसलिए आपको यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला नाम ही डालना है, ये आपको बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर सारी चीज़ हमने पढ़ लिया है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में फिलअप कर लिया है, यहाँ पर बॉक्स पर चेक भी लगा लिया है, और उसके बाद ये कैप्चर कोड भी डाल दिया है। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है टोकन जनरेट हो जाएगा हमारे नए नाम से, जो हमें करेक्शन करना है। यहाँ पर इस टोकन नंबर को आपको नोट करके रख लेना, और आपके ईमेल आईडी पर भी ये टोकन नंबर पहुँच चुका है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर से स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। और जो चरण मिलते हैं हमें यहाँ पर, चार चरण मिलते हैं इसे कम्प्लीटली भरने के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे, पहला ऑप्शन सिलेक्ट रहने देंगे जो है डिजिटली थ्रू EKYC ई-साइन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट इन्हें देने की जरूरत नहीं है, अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिजिकल जो है वेदर फिजिकल पिन कार्ड को आपको ऐसे रहने देना है दोस्तों, ताकि कोई करेक्शन होने के बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका पिन कार्ड आ जाए और आपके ईमेल पर भी आ जाए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका परमानेंट पुराना पिन कार्ड नंबर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर। अब यहाँ पर आधार नंबर में आपके अपने लास्ट 4 डिजिट इंटर करने हैं। यहाँ पे ध्यान देने, अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको पहले इंटर करने। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइप में आएंगे, यहाँ पर आपको यस कर देना है, ये आपको ध्यान में देना है, इसे आपको यस कर। यहाँ देखेंगे आई हियर बाई आर डेट माई फोटोग्राफी आज अवेलेबल इन द आधार, यानी कि जो आपके आधार में फ़ोटो है आप उसे ही चाहते हैं, तो इसे आप यस पर क्लिक कर देंगे। और पिन कार्ड पे जो आपके पुराने पिन कार्ड पर फोटो है, सिग्नेचर है, वही आप अगर चाहते तो उसे आपको यस कर देना। उसके बाद नीचे चले जाना दोस्तों, आपको तो नीचे आपको चले आना है। ध्यान देना आपको यहाँ पर फुल नेम में आना है। तो फुल नेम में आएंगे दोस्तों, आपके देखिए फुल नेम के सामने एक बॉक्स छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बॉक्स आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, उस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपको नाम में करेक्शन करना है। तो बॉक्स पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, जो आपका सही नाम है इसमें आप टाइप कर दीजिए। अगर स्पेलिंग अभी भी गलत है तो उसे आप सही करके टाइप कर दीजिए। तो जो जो हमें करेक्शन करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, उस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते तो मत क्लिक कीजिए। यहाँ पर जेंडर है, जेंडर क्लिक करना चाहते हो उसी बॉक्स पर क्लिक कर देना है आपको। यानी कि ये दो चीज़ें ऑप्शनली यहाँ पर टिक रहते हैं, इसे आप ध्यान हटा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर करेक्शन में रहती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले है, और यहाँ पर फादर नेम में आना है, अपने फादर का नाम डाल देना है। अगर फादर नेम भी गलत है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो फादर नेम सही प्रकार से डालें। उसके बाद अपने पैन कार्ड पर आप फादर नेम चाहते हैं या फिर मदर नेम, ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो फादर नेम ही यहाँ पर रहने देना है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने भर लिया है, और यहाँ पर जेंडर जो है सिलेक्ट कर लेते। तो दोस्तों जेंडर यहाँ बोल चुके थे, तो जेंडर जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जो है हम नीचे चले जाएंगे सारी चीज़ों को मिलान करते हुए, कि हमने आपको एक बार मिलान कर लें, जैसे कि कोई भी यहाँ पर, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसलिए सही तरीके से फॉर्म को चेक करने के बाद ही सबमिट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार सबमिट कर देते हैं आप, तो फिर आपको वही प्रक्रिया अपनाना होगा। तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट भी कर दीजिएगा,
ताकि आपको फॉर्म अगर कट जाए बीच में तो वहीं से ही ओपन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कर देने के बाद दोस्तों अब अगला आपका आ जाता है पर्सनल डिटेल में। तो इसमें एड्रेस वगैरह आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना होता है, क्योंकि ये आपके बाई डिफॉल्ट आधार से एड्रेस पिकअप कर लेता है और आपके पैन कार्ड में पहले जो एड्रेस है वो भी पिकअप कर लेता है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर चेंज करना है। अब यहाँ पर टेलीफोन वाले में आपको 91 डायरेक्टली लिख देना है, तो यहाँ पर इंडिया 91 ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपकी मेल आईडी पहले से ही मौजूद रहेगी। तो इसमें देखिए मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट में इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका थर्ड ऑप्शन आ चुका है कॉन्टैक्ट एंड जो डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है चार ऑप्शन, इसमें देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो दिया गया है इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों में जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना नाम हिमसेल्फ हरसेल्फ पे इसे हम करेंगे, अपना नाम यहाँ पे लिख देना आई आई बी पर। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो सिंपली आप लिख, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही आधार कार्ड ही हमें सिर्फ करना है, इसलिए एक यहाँ पर लिख दिया है। अगर यहाँ पर आप पैन कार्ड भी अपलोड करते तो दो लिख देंगे, हमने एक ही पैन कार्ड यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट लगाया है, तो इसलिए एक ही पैन कार्ड जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आपके आधार कार्ड के 8 डिजिट पहले के नंबर आपको डालने होंगे। उसके बाद ऊपर तरफ आएंगे, पूरी डिटेल जितने भी आपने भरी है उसे मिलान कर लीजिए एक बार, पूरा यहाँ पर सही तरीके से एक बार मिलान कर लें, देख लें ध्यानपूर्वक कहाँ कोई हमसे कोई अगर छूट गया हो आप उसे यहाँ पर बाद में नीचे जा करके आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, जैसे कि हमने जितने भी डिटेल यहाँ पर इंटर की है सभी का स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, कोई अगर हमसे मिस्टेक होगा उसे बाद में करेक्शन कर पाएंगे अभी ही। तो इस प्रकार जो है आपको सही प्रकार से पूरे फॉर्म की जाँच कर लेना है, पूरे फॉर्म की आप जाँच करें, जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं सभी का ये लास्ट वाले में आपका दिखाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरे हैं एक बार डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें जो है आपको पूरा सही तरीके से पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से जो है चेक करना है, अपने आधार में जिस तरीके से स्पेलिंग उसी तरीके से मिलान कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे एडिट का दिया गया प्रोसीड से पहले, उसके बाद अगर सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं सही है तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है अगला इंटरफेस पेमेंट का, तो यहाँ पर अब हमें पेमेंट करना है और अब जिस तरीके से पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। अगर पेमेंट आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलेस कर सकते हैं, और ना आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं अपने पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन अपना रहा हूँ पेटीएम के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आई एग्री पर सिलेक्ट कर लिया और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, और क्लिक कर लेने के बाद हमारा पेमेंट मोड जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखना, आपको यहाँ पर आप जितना भी टाइम लगता है आपको यहाँ पर वेट करना होता है। तो यहाँ पर भी प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, देन दोस्तों उसके बाद आप जो है हमारे रिडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, बार कोड आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है 106 रुपये 90 पैसे में यहाँ पर पेमेंट करने हैं, और ये बार कोड हमें अपने दूसरे मोबाइल से स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन कर लेने के बाद ही इसे जो है यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे। ये बारकोड आप आसानी से किसी भी मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल रहता है यहाँ पर पेमेंट करने का ये मेथड। तो दोस्तों अगर यहाँ पर डेबिट कार्ड करते हैं तो काफ़ी झंझट हो जाता है, तो ये मेथड सबसे बेटर रहता है। देखिए इस तरीके का अगर पोर्टल आ जाए आपके सामने पर इंटरफेस आ जाए तो यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है आपको फिर से जो है अपने होम पेज पर चलना होगा और फिर से जो है यहाँ पर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करना होगा, जैसे कि आपने अपना ऑनलाइन पर क्लिक किया था, उसके बाद आप रजिस्टर यूजर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर यूजर पर क्लिक करने के बाद अपना टोकन नंबर डालिए, मेल आई डी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चर कोड यहाँ पर डालिए, और उसके बाद जो है सबमिट कर दीजिए, तो जो फॉर्म जहां से रुका था वहीं से आपका पुनः ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहां से हमारा ओपन हो चुका है, जैसे कि यहां पे ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर यहां पे हमारा ओपन हो चुका है। अब यहां पर नीचे हम चले जाएंगे दोस्तों सारी डिटेल को देखते हुए, और यहाँ पर इस बॉक्स पर चेक कर देंगे। इस बॉक्स पर चेक कर देने के पश्चात दोस्तों और नीचे जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले आपको ऑथेंटिकेट करना है, ये बात ध्यान देना, आपको ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने देखिए आपका जो है आधार रिक्वेस्ट अंत ऑथेंटिकेट हो चुका है, अभी आपको यहाँ पर ई के वाई सी करना है, तो कंटिन्यू विथ ई के वाई सी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओ टी पी जाएगा, ओ टी पी आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए चौथे नंबर पर ओटीपी का सेक्शन दिया गया है, ओटीपी यहां पर डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहां पर जो है सबमिट पर क्लिक करना है, अगर ओटीपी नहीं जाता है आप रीजनरेट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने ओटीपी डाल दिया, सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर फिर से ई साइन करने का, यानी कंटिन्यू विथ ई साइन यहाँ पर करना होगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दो बार जो है ओटीपी डालना होता है, तो यहाँ पर देखिए हम क्लिक करेंगे तो नए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा,
तो यहाँ इस बॉक्स पर चेक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है वीआईडी और आधार में, इसमें आधार नंबर आपको पूरा डाल देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिर से जो है डालना होगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। दो बार आपको यहाँ पर ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है। ओटीपी यहाँ पर डाल दिए हैं, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के पश्चात जो हमारा यहाँ पर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा फॉर्म जो है करेक्शन के लिए सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितना भी टाइम लगे आपको रिडायरेक्ट यानी पेज को कट नहीं करना है, जितना भी लोड ले आपको ऐसे ही चलने देना है। यहाँ पर देखिए थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीडीएफ आ चुका है एक्नॉलेजमेंट स्लिप का। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड हम कर सकते हैं इस पीडीएफ को, और इस पीडीएफ को आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, वरना आप इसे अपने एक ईमेल आईडी पर भी आप सेव करके रख सकते हैं। इसमें जो पासवर्ड होगा दोस्तों वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। सिंपली आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और जैसे डालेंगे आपका देखिए पीडीएफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जितने भी चीज़ें आपने इसमें भरी हैं सब कुछ आप इसमें देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल से घर बैठे पैन कार्ड में किसी भी तरीके की करेक्शन कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ना भूलें। आने वाले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।